भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सोर्स के मुताबिक बजाज और KTM एक हाई एंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर काम कर रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल बाइक के किसी भी फीचर को लेकर कंपनी की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस समय KTM के बजाज का 48% हिस्सेदारी है और दोनों ब्रांड्स काफी समय से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। KTM की बाइक्स की अपनी ही एक अलग पहचान है, दूर से आप इसकी बाइक को आसानी से पहचान सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य बाइक्स में विनिंग परफॉर्मेंस और हैंडलिंग देना है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में KTM ने RC125 बाइक को भारत में लॉन्च किया था और इसकी कीमत 1,47,000 रुपए रखी थी। माना जा रहा है कि ये बाइक्स अगले साल भारत में दस्तक दे सकती है।